वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस जी और मैं गौरव श्रीवास्तव। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम देखेंगे जो है पौधों की, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो है उसकी रूट के बारे में, आज हम देखेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे डिटेल से। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आकार की शब्द का अर्थ एनाटॉमी जिसे बोला जाता है, बाह्य संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक पादप को बाहर से देखने पर उसमें जो है जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्ती, लीव्स, फूल, फ्लावर, फल, फ्रूट्स आदि दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक 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 पौधे को हम देखते हैं, एक जो पेड़ होता है, एक पादप को अगर हम बाहर से देखते हैं उसमें रूट हमें दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, लीव्स दिखाई देता है, फ्लावर दिखाई देता है, फ्रूट दिखाई देता है। पादप प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर इन्हीं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब पादप आकारिकी के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों का, इनके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, ये फल है, तो हमने जड़ के बारे में समझ लिया था पिछली वीडियो में, ये टैप रूट होता है, एडवांटेजियस रूट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज देखेंगे स्टेम के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा लीव्स पेयर। ठीक है, तो स्टेम पर देखते हैं, स्टेम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं स्टेम के बारे में। देखिए, स्टेम तना पौधे का वह भाग है, तना जो है पौधे का वह भाग है जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, तना प्रांकुर प्लीमूल से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल धारण करता है। तना जो है प्लीमूल से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल धारण करता है। तने की वृद्धि, देखिए तने की वृद्धि जो है तीन प्रकार की होती है, निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है, और उसके बाद निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, उसके बाद पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक जो है गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखिए कोई बीज है, बीज के जो है नीचे वाला भाग जो है रेडिकल हो गया और ऊपर वाला भाग जो तना बन जाता है आगे चल के वो प्लीमूल है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तने की विशेषताएं, इसकी तने की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर गौर करते हैं। तना पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तना पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, या शाखाओं, पत्तियों एवं पुष्पों को जन्म देता है। तना क्या क्या करता है, तना शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों को जन्म देता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को अन्य भागों तक तथा पत्तियों में संश्लेषित भोजन को जड़ सहित अन्य भागों तक पहुंचाता है। तने में निश्चित पर्व संध्या नोड तथा पर्व इंटर नोड्स होते हैं, तनों में निश्चित जो है नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। शाखाएं एवं पत्तियां समानतः पर्व संधियों से ही निकलती हैं। ठीक है, जो पत्तियां निकलती हैं जो नोड और इंटर नोड से ही निकलती हैं, तनों में जो नोड और इंटर नोड होते हैं वहीं से जो है पत्तियां का निर्माण होता है, पत्तियां वहीं से निकलती हैं। तने जड़ों की भांति खाद्य संग्रह भी करती है, जो है तना जो है क्या करती है, जड़ों की भांति खाद्य संग्रह भी करती है, जैसे आलू, हल्दी, अदरक, गन्ना आदि जो है तने हैं, ये जो है खाद्य का भी संग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। देखिए, अब तने के प्रकार आ गए हैं। ठीक है, तना जो है कितने प्रकार का है। ठीक है, तना हम देखते हैं। देखिए, तना जो है एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, एक होता है सब एरियल स्टेम, एक होता है एरियल स्टेम। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, अर्धवायवीय तना, उसके बाद वायवीय तना, एरियल स्टेम। ठीक है, तो जो है जो भूमिगत तना हो गया, इसमें देखिए पोटैटो आता है, पोटैटो देखिए, पोटैटो जो है देखिए पत्तियां निकली, ये भी तना है, पोटैटो जो है तना है। उसके बाद जो सब एरियल रहता है तो उसका कुछ भाग तो नीचे रहता है, ठीक है, मिट्टी में, और कुछ भाग ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो है सब एरियल हवा में रहता है, कुछ भाग अर्धवायु तना। और एरियल में जो है, एरियल में आप देखते हैं जैसे बड़े वृक्ष हो गए, आम हुआ, ठीक है, बरगद हुआ, इन सब का। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भूमिगत तना, पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है, जैसे आलू में होता है, देख रहे हैं, आलू में भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। जैसे आलू देखिए मोटा और मांसल हो जाता है ना, जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, आलू, प्याज, लहसुन आदि, ये सब क्या है, भूमिगत तने के उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये सब, एकदम ध्यान दीजिएगा। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सभी जो है तने के प्रकार हैं। ठीक है, और तने में भी कौन है, भूमिगत तना है ये। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट चलते हैं, भूमिगत तने के रूपांतरण, इसके जो है रूपांतरण जो मॉडिफाइड हो जाता है भूमिगत तना, उसमें भी देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं एक सेकंड, ये देखिए भूमिगत तने के रूपांतरण में देखिए स्टेम ट्यूबर, ठीक है, स्टेम ट्यूबर में कंद हो गया, उसके बाद राइजोम प्रकंद हो गया, हाँ, उसके बाद बल्ब हो गया, बल्ब को हिंदी में सल्क कंद कहते हैं, कॉर्म हो गया, कॉर्म को घनकंद कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब इसमें हम देखेंगे कि कंद के अंदर कौन से जो है तने आते हैं, राइजोम के अंदर कौन से तने आते हैं, बल्ब के अंदर कौन से तने आते हैं, और कॉर्म के अंदर कौन से तने आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है कि जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है, तब इस प्रकार के तने की अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है, जैसे दूब, घास, मर्सीलिया, पैल्सीफ्लोरा, जलकुंभी, पुदीना। ठीक है, तो अर्धवायवीय तने क्या है, अर्धवायवीय तने जैसे भूमि के अंदर हमने बताया था ना, देखिए अर्धवायवीय तने जो होते हैं सब एरियल स्टेम, कि भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर होता है। ठीक है, जैसे दूब, घास, मर्सीलिया,
पैसीफ्लोरा, जलकुंभी, जलकुंभी के देखिए कुछ भाग जो है अंदर रहता है पानी के और कुछ भाग ऊपर पानी में तैरता रहता है, पुदीना हुआ, ये सब जो है सब एरियल स्टेम के उदाहरण है। जैसे देखते हैं इसके भी जो है इसके रूपांतरण में कौन कौन से आएंगे, इसके रूपांतरण में आएगा देखिए रनर आ गया है, ऊपरी भूस्तरी है, स्टोलन आ गया भूस्तरी, उसके बाद ऑफसेट आ गया भूस्तारिका, अंतः भूस्तरी, सकर्स आ गया, ये सब इसके रूपांतरण है। कौन कौन से हैं, रनर है, ये सब इन आ सकते हैं एग्जाम में। बस इसके यही ऊपर से पूछेगा कि इसके कौन कौन से रूपांतरण मॉडिफिकेशन आप स्टेम, तो रनर हो जाएगा, स्टूलेंट हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, उसके बाद सकर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं जो है कॉर्म। कॉर्म के बाद इस प्रकार की भूमिगत तना राइजोम का संगठित रूप है, यह भूमि के नीचे ऊर्ध्व दिशा वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है, इसमें अधिक मात्रा में भोजन संचित हो जाता है, जैसे जिमीकंद, बंडा, अरबी, ये सब जो है कॉर्म के उदाहरण है। ठीक है जी, बंडा, अरबी, ये सब क्या है, कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। जिमीकंद जिसे सूरन कहते हैं, ठीक है, जिमीकंद, ये सब कॉर्म के उदाहरण आ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। बंडा, अरबी, ये सब क्या है, ये कॉर्म के उदाहरण है। स्लाइड थोड़ा सा लगता है उधर उधर हो गया। हाँ, उसके बाद देखते हैं बल्ब। बल्ब की एग्जांपल क्या है, बल्ब की एग्जांपल आप देख लीजिए, बल्ब की एग्जांपल है जो है प्याज हो गया, लहसुन हो गया। ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, बल्ब के, बल्ब की एग्जांपल में हो गया प्याज और लहसुन। इस प्रकार देखिए बल्ब में, देखिए सल्क कंद में इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे सल्कों पत्रों जिसे स्केली लीव्स से मिलकर बना होता है, यह सल्क पत्र जल तथा भोजन संग्रह करने के कारण मांसल, फ्लैसी हो जाते हैं। ठीक है, प्याज जैसे ओनियन देखा होगा आपने, प्याज में कई परत रहते हैं, तो इसी तरह लहसुन में भी है। ठीक है, तो ये बल्ब के उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रनर, रनर, रनर में आते हैं, रनर है ऊपरी भूस्तरी, यह भूमि की स्तर के समांतर फैला हुआ अर्धवाहिवी तना है, इस प्रकार के तने में लंबे एवं पतले पर्व इंटरनोड्स पाए जाते हैं, परतंधियों से ऊपर की ओर शाखाएं एवं तना तथा भूमि के अंदर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे दूब घास मर्सीलिया में। ठीक है, रनर में इस तरह आ जाएंगे, दूब घास मर्सीलिया, ये सब इसके उदाहरण, देखिएगा रनर में, रनर में क्या आएगा, दूब घास और मर्सीलिया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए स्टूलन में, देखिए स्टूलन में क्या होता है कि ये पेड़ है उसी से जो है ऐसे देखिए शाखाएं से पतली 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 निकली जाती हैं, स्टेम जो होते हैं। ठीक है, ये स्टूलन हो गया, अब भूस्तरी रनर हो गया, इसमें जो है कुछ अंदर रहता है कुछ बाहर रहता है भूमि के, और ऑफसेट में जो है वहीं से देखिए ये बाहर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अंतः भूस्तरी में ये अंदर रहते हैं, स्टेम सकर्स जिसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं, स्टूलन, स्टूलन में क्या होता है कि इस प्रकार का अर्धवायवी तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, इस प्रकार के तने पर पर्व इंटरनोड तथा पर्व संधियां नोड्स पाए जाते हैं, पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें तथा ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती हैं, जैसे पैसीफ्लोरा में, पैसीफ्लोरा इसका एग्जाम्पल है स्टूलन का, स्टूलन का। आगे चलते हैं, उसके बाद सकर्स देते हैं, कुछ पौधों में तने का आकार आधार भाग भूमिगत होता है और वो भाग जो शाखाएं निर्मित होती हैं वे भूमि के ऊपर कुछ दूर तक तिरछी अथवा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती हैं, इन शाखाओं को अंतः भूस्तारी कहा जाता है, जैसे गुलदावरी पुदीना, गुलदावरी पुदीना में जो है ये देखिए सकर्स पाए जाते हैं, सकर्स, सकर्स स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद होता है कैलाडोल मतलब प्रणाभ पर्त, इनमें कच्छा कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती है जो कि तना है, वह इन शाखाओं केवल एक पर्व की तरह रह जाती हैं, पत्ती सल्क पत्र के समान होती हैं। एग्जाम्पल इसका होगा स्पेरेगस और रसकस, हैं स्पेरेगस रसकस, ये देखिए स्पेरेगस रसकस है। ठीक है, इसमें जो देखिए छोटा सा ये तना है, जो बड़ी बड़ी पत्ती जैसी दिख रही है आपको ये तना है, और जो छोटा सा इसमें आपको दिख रहा होगा, हो सकता है इसका पिक्चर मिल रहा हो, देखिए इसको थोड़ा जिम करके दिखाते हैं, इसमें देखिए आप, इसमें जो छोटा छोटा ये दिख रहा है ये आपका ये पत्ती है, और ये बड़ी बड़ी जो पत्ती जैसी दिख रही है वो आपका तना है। ठीक है, वो तना है, इसकी एग्जांपल है स्पेरेगस और रसकस। ठीक है, कैलाडोट का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिए जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो ऐसे तने को वायवी तना कहते हैं, इस प्रकार के तने में शाखाएं, पत्तियां व पर्व संधियां, कलिकाएं, फल फूल सभी पाए जाते हैं, जैसे गुलाब हुआ, अंगूर हुआ, नागफनी, रसकस आदि में। वायवी तने का उदाहरण है रूपांतरित मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम में क्या है, फैलिलोकॉइड, उसके बाद स्टेम थ्रोन, उसके बाद स्टेम टेंड्रिल, उसके बाद कैलेडोड। ठीक है, तो फैलिलोकॉइड, इस थोड़ा स्लाइड हमको लगता है वो हो गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए जिन पौधों में तना मांसल पत्ती फ्लैसी लीफ के रूप में परिवर्तित होकर चपटा हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है, इस तरह के रूपांतरित तने को प्रणाभ स्तंभ फैलिलोकॉइड कहते हैं, इन पौधों में पत्ते समानतः कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, यह रूपांतरण पौधों से होने वाले जल हानि को रोकता है, जैसे नागफनी, कैक्टस, ठीक है, अपयूटीनिया और कैक्टस, ये भी जो है ये जो देख रहे हैं कैक्टस है, ये है ये जो कांटेदार हैं, ये तना है, ये कौन सा तना है, पणकाय स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे जो कांटे दिख रहे हैं वे सब इसकी पत्तियां हैं, और जो बड़ा सा दिख रहा है ये इसके तने हैं। ठीक है, नागफनी में आप देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं, ये देखिए कैलेडोल, प्रणाभ पर्त, इनमें
कक्षस्थ कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती है जो कि तना है, ठीक है। वह इनमें शाखा केवल एक पर्व की तरह ही रह जाती है, पत्ती शल्क पत्र के समान हो, जैसे एस्पेरेगस रसकस, रिपीट हो गया दिखा दिया था आपको। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं बस। बट आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे, इसमें सब चीज़ें लिखी हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।